हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूनी सिंह और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं कटहल की सब्ज़ी और मैं आप लोग को ये रेसिपी शेयर कर रही हूं कि किस तरह से मैं बनाती हूं कटहल की सब्ज़ी। ये 1 केजी कटहल है। सबसे पहले हमने कटहल के छिलके को निकाल कर इतने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसे अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लिए हैं। कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे कटहल, उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं तलनी है, बस 2 मिनट ही इसे हम फ्राई करेंगे। अब कटहल हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे प्लेट में निकाल देंगे। अब हम उसी बचे हुए तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और कुछ साबुत गरम मसाले, 2 लाल मिर्च तोड़ कर डाल देंगे और 2 तेज़ पत्ता डालेंगे और फिर हम उसे अच्छे से चला लेंगे। अब बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 10-12 लहसुन की कलियां और थोड़े से अदरक और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च की हमने मिक्सी जार में पेस्ट बना ली थी, उसे हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे 2 टमाटर को हमने मिक्सी जार में पेस्ट बना ली थी, उसे हम डालकर उसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले को हम अच्छे से भून कर पकाएंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे फ्राई की हुई कटहल। इसे हम अच्छे से कटहल को मसालों में मिलाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। अब आप इसे आधे घंटे तक धीमी आंच पर पकने दें। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 3-4 सीटी लगा दीजिए, क्योंकि कटहल को पकने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, खूब बढ़िया से पक चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम लाजवाब। इसी तरह आप बनाइए और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी थी ये रेसिपी आपकी। अब हम ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते डाल देंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।